लाइफ में ब्रेक लेना चलता है, लेकिन वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें टक ऐप, देख बिना ब्रेक। विदेश भेजने के नाम पर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा, सपनों के जाल में फंसे 365 भारतीय, मेक्सिको सीमा से अमेरिका में घुसने की कोशिश, जंगलों में छुपे कई दिन पैदल चले, न खाना मिला न दवाई का कोई इंतजाम, जान हथेली पर लेकर पहुंच गए अमेरिका के दरबार, सात समंदर पार का सपना सपना ही रह गया। तो कौन है सबसे बड़ा गुनहगार? जी हाँ, अपने सपनों को साकार करने के लिए सात समंदर पार गए थे भारतीय, अब लौट आए हैं। लौट आई है इनकी उम्मीदें, लौट आई है बेहतर जीवन जीने की तमन्ना, टूट गए हर सपने, टूट गया विश्वास, वो विश्वास जिसके लिए इन लोगों ने अपने गहने बेच दिए थे, जमीन बेच दी थी और खुद को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा भाई, नौकरी नहीं मिल रही हमें, जब ही जा रहे हैं हम बाहर, पढ़े लिखे हैं, पॉलिटेक्निक की हुई है, 13,000 रुपए देते हैं भाई, क्या करेंगे 13,000 रुपए में, हम यहाँ पे गोल्ड बेच के गए हैं, जमीन बेची है, यहाँ से गए, अब ये हाल हो रहा है हमारा। इन लोगों को सपने के सौदागर, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क में भेजने का सपना दिखाया था। 365 भारतीयों से अमेरिका भेजने के नाम पर 18 लाख रुपए लिए गए थे, इसके लिए फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था, सोचे थे मैक्सिको पहुंचकर चुपके से बॉर्डर पार कर। हम जैसे ही एजेंट ने बोला था हमें कि यहाँ से वहाँ जाना है अमेरिका, डायरेक्ट जाते हैं यहाँ से, उन्होंने जंगलों के थ्रू भेजा हमें। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जंगल में चले जी, 2 हफ्ते कम से कम, 15 दिन बाद जंगल गए, मैक्सिको आके डिपोर्ट हो गए। तो कितना पैसा भी दिया था? मैंने 18 लाख रुपए दे रखा ही। हाँ जी, और सिर्फ इंडियन ही लोग डिपोर्ट किया, और हैं वहाँ पे कैमरून, श्रीलंका, नेपाल, वो वहीं पे हैं। एजेंट ने बोला था 20-22 दिन में पहुँचा देंगे, प्रवीण एजेंट है जी हमारा, पब बनावेगा प्रवीण बिन्नी, उसका भाई कृष्ण है, 15-15 लाख रुपए लिए हमारे दोनों भाइयों से, और जमीन बेच के पैसे दिए थे उनको, और जंगलों में धक्के खड़ा, किश्ती समुद्र के बीच में खड़ी रही, बीच समुद्र से सारी रात चप्पू मार मार के सुबह उस पर ले गया था टापू पे, दोबारा फिर जंगलों में चलाए, और अब वापसी आ गए, सारा पैसा खत्म, सारा पैसा उनके सारा अड़प गया पैसा। जो लोग लौटे हैं उनकी ओर से दावा किया जा रहा है कि इनकी कुल संख्या 365 है। भारत लौटे इन लोगों की माने तो एजेंटों ने सभी भारतीयों को मेक्सिको बॉर्डर के जरिए अमेरिका में प्रवेश का वादा किया था, साथ ही वहां पर नौकरी दिलाने की बात भी कही थी। लोगों से लिए गए लाखों रुपए में हवाई यात्रा के साथ ही मेक्सिको के होटल में रहने की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था की भी बात कही गई। हम 8 अगस्त को गए थे वहाँ पे, यहाँ से इंडिया से, और हम आज सुबह आए हैं इधर, और इन्होंने हमारे को कंट्री आउट या सिटी आउट कुछ भी नहीं दिया, और सिर्फ इंडियन को डिपोर्ट किया है, और बांग्लादेश और श्रीलंका, कैमरून और नेपाल, इन सबको वो अपना कंट्री आउट और सिटी आउट दे के बाहर निकाल रहे हैं, और सिर्फ इंडियन को वहाँ पे वो इधर वापस भेज रहे हैं। हम थे 365। मेक्सिको से इन सभी भारतीयों को दिल्ली भेज दिया गया है। शुक्रवार सुबह बोइंग 747-400 चार्टर विमान से इन सभी लोगों को IGI एयरपोर्ट पर उतारा गया। इन लोगों में एक महिला भी शामिल थी। तो वहीं मेक्सिको के नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट की ओर से बताया गया है कि जो भारतीय नागरिक देश में नियमित रूप से ठहरने की शर्त को पूरा नहीं कर रहे थे, उन्हें टोलूबा सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बोइंग 747 से नई दिल्ली भेज दिया गया। इन लोगों को ओसाका, बाजा, कैलिफोर्निया, वेराक्रूज, चियापास, सोनोरा, मेक्सिको सिटी, डुरांगो और टबास्को राज्यों में आव्रजन अधिकारी के सामने पेश किया गया था। मेक्सिको का ये कदम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जून में ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर मेक्सिको ने अपने देश की सीमा में अमेरिका से घुसने वालों पर लगाम नहीं कसी तो वो भेजने की अपनी नीति को विस्तार देने पर सहमत हुआ था।